हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम कर रहे थे अपने बोर्ड की तैयारी। अगर आपने लास्ट वीडियोस देखे हो हमारे चैनल के सेंटम के, तो हमने 6 से 7 स्लाइड्स अब तक बना चुकी है एमसीक्यूज की, जो कि है नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। अगर रिवीजन होगा तभी आपको समझ में आएगा कि इस बार का पेपर हमें करना कैसे है, क्योंकि पेपर का पैटर्न हो चुका है चेंज, सिलेबस हो चुका है चेंज। तो हमें करना है प्रिपरेशन प्लस रिवीजन प्लस अगेन एंड अगेन लॉट्स ऑफ रिवीजन। अब मुझे तो ये भी पता है कि 11th क्लास में बहुत सारे बच्चे बायो नहीं लेते हैं, और उनका मेन रीजन क्या होता है कि बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, डायग्राम्स की लेबलिंग करनी होती है और वो सबसे टफ है। डायग्राम तो आप कैसे बना भी लोगे अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, बट वॉट अबाउट लेबलिंग? लेबलिंग तो करेक्ट होनी चाहिए। इसी डर के वजह से बहुत सारे बच्चे बायो को बाय बाय बोल देते हैं। तो क्लास 10th का रिवीजन है, जैसा कि हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है इस बोर्ड में, बायो में उसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है। तो उसमें है बहुत सारे डायग्राम्स से लेबलिंग है। अब आप बोलोगे कि मैम, अभी तो आप बोल रही थी कि पैटर्न तो चेंज हो गया, तो क्या पता डायग्राम भी चेंज हो गया हो, क्या पता लेबलिंग अब ना पूछे, मे बी डायग्राम ना पूछे। आप ऐसा भी सोच रहे होगे कि हम डायग्राम से बच सकते हैं, बट डायग्राम मे बी डायरेक्ट इट विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, बट उसके पार्ट्स लेबल करने को आ जाएंगे। लेबलिंग के बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन कुछ भी पूछ सकता है। तो कुछ भी जो पूछेगा उसका जवाब देने के लिए आपको चाहिए डायग्राम प्लस लेबलिंग की प्रिपरेशन। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपका मैं, और बहुत ज्यादा हैवी नहीं हेक्टिक, 2-2 मिनट 4-4 मिनट के डायग्राम्स हैं। 5 से 6 डायग्राम हैं टोटल पहले चैप्टर में, और उन सारे डायग्राम्स को हम धीरे धीरे अभी फटाफट तुरंत कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला मैकेनिज्म जो कि मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि बहुत इजी है, बस आपको मेरे ये हाथों को देखना है। मेरे हाथ में चौक है, बहुत सारे कलरफुल चौक मैंने ले रखे हैं, बट आपको केवल यूज करना है पेंसिल, और वो पेंसिल होनी चाहिए शार्प, ओके, सो दैट एवरीथिंग इज फाइन। एग्जामिनर ऐसे देख के चकाचक हो जाए, एकदम खुश हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिससे हम ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, ओके? जैसा कि मैंने आपको अभी तो नहीं बताया है, बट अब बता ही देती हूं कि जब आप डायग्राम शुरू करोगे बनाना, तो डायग्राम का नाम हमेशा रहेगा नीचे, कभी ऊपर नहीं लिखना है। इट्स नॉट लाइक अ हेडिंग, ऑलवेज यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द डायग्राम बिलो। सो ये देखो बहुत नुकीली हो गई है ना, इतनी नुकीली होती नहीं है ह्यूमन बींग की, तो थोड़ा सुंदर डायग्राम बनाएंगे ऐसे। ये देखो, ओके, ये स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? एवरीबॉडी नोटिस, सब लोग अपनी पेंसिल का यूज करें, नोटबुक का यूज करें, और मेरे साथ साथ डायग्राम को बनाएं, ओके? तो ये हो गया आपका नोज। नोज जो होता है सबसे पहला पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ओके? अब नोज में होते हैं कितने नोस्ट्रिल्स? 2 नोस्ट्रिल। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे दैट वी हैव 2 नोस्ट्रिल, नो, क्योंकि बायो में चीजें एक सिस्टमैटिक वे में लिखी जाती हैं, तो दैट इज नोन एज पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स। सो लेट अस राइट हियर, यहां पे होगा आपका पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स, ठीक, ये तो हो गया। जल्दी जल्दी दो हमने पढ़ लिया, दो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत पेयर ऑफ नोस्ट्रिल से, यहां से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाएगा और यहां पे एक बॉक्स जैसा कुछ बन जाएगा लाइक दिस, फिर यहां से एक स्ट्रक्चर आएगा और यहाँ नीचे कुछ हैंगिंग जैसा बन जाएगा लाइक दिस, ठीक। अब ये क्या है, ये बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं हम फेरिंग्स। लेबलिंग शुड बी डन प्रॉपरली, फेरिंग्स ये होता है कॉमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी और डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक। फेरिंग्स के नीचे यहाँ पे एक बॉल जैसा कुछ लटक रहा है, दैट इज नोन एज
वॉइस बॉक्स और जिसको हम कहते हैं लैरिंग्स। डायग्राम बनाते चलना है, लेबलिंग साथ में करते चलना है, अदरवाइज आप भूल जाओगे कि क्या बनाया है। ठीक, डन। अब ये देखो, ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये ऐसे नीचे नीचे जाएगा और ये फॉर्म करेगा आगे जाके विंड पाइप। ओके, तो इस विंड पाइप को कैसे मैं बनाऊंगी, इसके अंदर होंगे सी शेप्ड के कार्टिलेजिनस रिंग्स, इनका काम है कि ऑक्सीजन अंदर आए, CO2 बाहर जाए, तो इस पे प्रेशर ना पड़े, प्रेशर पड़े तो वो उसको झेल ले, उसको डील कर ले। ओके, ये देखो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग, डायग्राम सही दिख रहा है, सही दिख रहा है। ओके, अब इसको लेबल कर देते हैं। ये हो गया हमारा विंड पाइप। विंड पाइप तो हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं बच्चों, बट अगर हमको बायो में एग्जामिनर ने घुमा के पूछ दिया, वो घुमा के क्या पूछेगा कि विंड पाइप की जगह लिख देगा ट्रैकिया। विंड पाइप इज ऑल्सो नोन एज ट्रैकिया। ठीक, अब ये विंड पाइप आगे जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होगा कैसे, इधर देखो ऐसा फिर ऐसा। अब मैं ऐसे खड़ी हो जाऊं तो ये है मेरा राइट, ये है लेफ्ट, सो दिस वन विल बिकम राइट ब्रोंकस। यहां पे देखो राइट ब्रोंकस, ठीक, ये वाला हो गया लेफ्ट ब्रोंकस। सो इजी, कुछ करना ही नहीं है, फटाफट बस बना लेना है और 2 मिनट में लेबल कर देना है। अब ये जो ब्रांचिंग हुई है ये कुछ ऐसी सी होगी, ऐसा फिर ऐसा। ठीक, अब इसमें होगा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, देखो ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे। ठीक, इधर भी बना लो ऐसे, फिर इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे लंग्स। ये थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है तो टेढ़े को सीधा कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा सही करना है ताकि ये टेढ़ा मेढ़ा ना दिखे। ठीक, ये हो गया आपका लंग्स, ये हो गया राइट लंग और ये हो गया लेफ्ट लंग्स। अब ये जो हमारा ब्रोंकस है, ये दो, ये आगे जाके डिवाइड हो जाएगा, ऐसे जाली नुमा स्ट्रक्चर ऐसे फैला देगा स्पाइडरमैन की तरह, उसको क्या बोलेंगे हम, ऐसे करके देखो यहाँ पे बनेंगे फाइन फाइन ब्रोंकियोल्स, यहाँ पे जाएंगे फाइन फाइन ब्रोंकियोल्स। देखो दोनों में होगा, अगर आप एक लंग्स को ही केवल बनाते हो एग्जाम में दैट इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि दोनों में ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर ही होगा। ठीक है, ये हो गया आपके टर्मिनल्स लाइक ब्रोंकियोल्स, इनको हम बोलेंगे, लेबल भी कर देते हैं हम BRONCHIOLES। स्पेलिंग का खास ध्यान रखना है नहीं तो अर्थ का हो जाएगा अनर्थ। ओके, अब हर ब्रोंकियोल लास्ट में जाके गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर में फूल जाएगा, उसको कहेंगे हम एल्वियोलाई। एक लंग्स में मैं केवल बना रही हूं, दैट इज क्वाइट इनफ, दैट इज नोन एज एल्वियोलाई। और अब ये लंग जो है इसको चाहिए प्रोटेक्शन, और इसका प्रोटेक्टिव लेयर जो होगा उसको हम बोलते हैं, किस कलर से कर ले, चलो पिंक कलर से मैं इसका प्रोटेक्टिव लेयर बना देती हूँ। आपके पास केवल पेंसिल रहेगी तो आप इसको डबल लेयर कर सकते हो। ओके, ऐसे करके, आई होप डायग्राम सबको दिख रहा है, कूदना नहीं है मेरी तरह। ये देखो ये प्रोटेक्टिव लेयर बन रही है, एंड दिस प्रोटेक्टिव लेयर इज नोन एज पेरी नर्व, दिस प्रोटेक्टिव लेयर इज नोन एज
pleural membrane. We call it pleural membrane. और इसको हम प्लूरा भी कहते हैं. प्लूरल मेम्ब्रेन और प्लूरा. इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड. अब इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के बाद ध्यान से सुनो. नीचे एक पार्टीशन के लिए लेयर होती है दैट इज नोन एज डायाफ्राम. DIAPRHRAGM. बस हो गया, यही तो है रेस्पिरेटरी सिस्टम. इतना ही है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा. बहुत अगर ये कोई प्लूरा, इसको मैंने प्लूरल मेम्ब्रेन इधर लिख दिया है, थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं सो दैट आप स्पेलिंग देख सको. इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा. आ जाएगा तो पूछ लेगा कि इसका लेबलिंग बताओ, इसका लेबलिंग बताओ, इसका लेबलिंग बताओ, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फीचर क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है. डन. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर डायग्राम आया बनाने को बोर्ड में तो डायग्राम का नाम होगा नीचे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको ऐसे अंडरलाइन करके. डन. सो कल फिर से या अभी थोड़ी देर बाद फिर से हम दूसरा डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे. टिल देन प्रैक्टिस इट, लेबल इट, बार बार बनाओ जब तक कि आपका हाथ सेट ना हो जाए. बाय बाय.